अगर आपके पास वैक्यूम पंप नहीं है और आप सिस्टम को विदाउट वैक्यूम पंप के आप चलाना चाहते हैं, सिस्टम को गैस डालना चाहते हैं, तो कैसे डाल सकते हैं आप देख लीजिए लाइव बिल्कुल कैसे करना है, क्योंकि विदाउट वैक्यूम पंप के आप वैक्यूम कैसे करेंगे। आपके पास कभी कभी होता है कि साइड पे हम जाते हैं तो वैक्यूम पंप हमारे पास नहीं होता है, कैरी नहीं कर पाते हैं, और हमें क्या होता है कि लीकेज जब हम बंद करते हैं या फिर कैपिलरी चेंज करते हैं, कंप्रेसर चेंज करते हैं, तो उस समय वैक्यूम की ज़रूरत पड़ती है। अगर वैक्यूम पंप नहीं है तो कैसे करना है इसको समझ लीजिए अच्छे से। और बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन दो लाइनें होती हैं, तो मोटा वाला पाइप जो है ना वो सक्शन लाइन होता है, उसे हम अच्छे से बंद कर देंगे, सर्विस वाल्व में फ्लेयर नट टाइट कर देंगे। हम पतले पाइप से काम करने वाले हैं, कैसे करना है इसको देख लीजिए। इसे हम स्लाइड रेंज से अच्छे से टाइट कर दें ताकि यहाँ से लीकेज होने के चांस ना हो, यहाँ से रेफ्रिजरेंट निकलने ना पाए, इसलिए इसे हम फाइनल टाइट कर देंगे एकदम, थोड़ा भी ढीला नहीं रखेंगे। और जो पतला पाइप है डिस्चार्ज लाइन, उसे हम खुला रखेंगे। तो इसी में देखिए लाइव आप बिल्कुल देख लीजिए और समझ लीजिए कि किस तरह से करना है। इसको हम अच्छे से टाइट कर देंगे सक्शन लाइन को। सक्शन लाइन को टाइट करने के बाद का प्रोसेस आप देख लीजिए। बिना वैक्यूम पंप के आप आसानी से वैक्यूम कर सकते हैं, सिस्टम को गैस डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मैं बहुत से सिस्टम में ऐसा एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। वैसे तो प्रोफेशनली जो होता है ना, प्रोफेशनल तरीका यही होता है कि वैक्यूम पंप आपके पास होना चाहिए वैक्यूम करने के लिए। लेकिन मुझे पता है कि हमारे सिस्टम में ना तो ऑयलिंग है, ना कंडेंसर में, ना कूलिंग कॉइल में, बिल्कुल क्लियर है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए डिस्चार्ज लाइन है ना, लिक्विड लाइन जिसे कहते हैं, इसे हम बंद नहीं करेंगे, इसे हम खुला रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है, हम गैस का सिलेंडर लेंगे, जो गैस इसमें चार्ज होना है R410 है हमारे पास। तो आप ये देख सकते हैं गेज हमने लगाया है, और ये के कोई भी एक लाइन जिससे आप चार्ज करना चाहते हैं, गेज के नीचे वाला एक लाइन कोई कनेक्ट करेंगे जो गैस चार्जिंग के काम में आता है, वो लाइन हम जो सक्शन लाइन है उसमें हम कनेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, जब हम गैस को छोड़ेंगे ना, यहाँ से टाइट कर देते हैं अच्छे से, गैस को जब हम छोड़ेंगे तो सक्शन लाइन के रास्ते से आउटडोर के कंडेंसर में जाएगा, और कुछ आधा आउटडोर कंडेंसर में जाएगा और आधा निकल जाएगा कूलिंग कॉइल में उसी लाइन के रास्ते से। अब जो कंडेंसर में जाएगा वो हमारा ये देखिए यहाँ से चला जाएगा कूलिंग कॉइल में, और यहाँ से सर्विस वाल्व के रास्ते से चला जाएगा कंडेंसर में, कंडेंसर में चला जाएगा, दोनों तरफ एयर चला गया। अब देखिए जो सर्विस वाल्व है, यहाँ जो कंडेंसर में होगा गैस वो यहाँ से निकलेगा, और जो कूलिंग कॉइल में जाएगा उस लिक्विड लाइन के रास्ते से निकलेगा। अब देखिए इस तरह से गैस को खोलेंगे और इस तरह से निकल रहा है रेफ्रिजरेंट। अब यहाँ पर रेफ्रिजरेंट कब तक निकालना है, थोड़ा सा निकालना है जब तक आपको लगे कि हाँ उसमें जो नॉर्मल एयर है वो बाहर निकल गया। कैसे पता चलेगा, आपके हाथों में बिल्कुल ठंडा ठंडा आएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एयर निकल गया है, अभी रेफ्रिजरेंट आ रहा है। तो अभी देखिए मैं चेक कर रहा हूँ, इस तरह से थोड़ा सा निकलने देंगे। उसके बाद क्या है ना, जब वो रेफ्रिजरेंट आने लगे ठंडा ठंडा, तो फिर उसके बाद जल्दी जल्दी निकलते निकलते नहीं, पाइप को लिक्विड लाइन का पाइप जो है ना उसे हमें बंद कर देना है जब हमें लगे गैस आने लगा है। अभी इसमें ज़्यादा गैस वेस्ट नहीं होता है और आसानी से बिना वैक्यूम पंप के हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने बंद कर दिया, इसे अच्छे से टाइट कर देंगे। अब जो रेफ्रिजरेंट इसमें हमें स्टैंडिंग पोजीशन में डाल देना है रेफ्रिजरेंट, और उसी के साथ हमें लीकेज भी चेक कर लेना है, दोनों सर्विस वाल पे लिक्विड लाइन और सक्शन लाइन, और इसके साथ में कैपिलरी और कंप्रेसर जो सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन हमने जॉइंट किया है। तो यहाँ पर लीकेज हम चेक कर लेंगे, और सिलेंडर को उल्टा करके हम डालेंगे R410, और गैस डालने के बाद लगभग 150 PSI 200 PSI स्टैंडिंग में डालने के बाद हम लीकेज चेक कर लेंगे जहाँ जहाँ हमने लीकेज रिपेयर किया है। उसके बाद सीधा बस जो आउटडोर का जो पूरा हमने कवर खोला है उसे बंद करके उसके बाद गैस इसमें हम डाल देंगे वैसे ही। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा।